स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 पूनम्स डे आउट का वर्कबुक में पेज नंबर 5 और 6 फिल अप करेंगे। चैप्टर नंबर 1 व्हाट डिड पूनम सी, कि पूनम ने क्या देखा। एक्सरसाइज 1, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन बिलो ईच क्वेश्चन एंड राइट इट्स इंडेक्स लेटर अल्फाबेट इन द बॉक्स प्रोवाइडेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। तो बच्चों, यहाँ पर हम MCQ दिए गए हैं, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, उसमें से हमें क्वेश्चन रीड करना है, उसके ऑप्शन देखने हैं और जो सही आंसर्स है उसका अल्फाबेट लेटर हमें इस बॉक्स में लिखना है। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन, व्हिच इज द एनिमल दैट कैन लिव ऑन बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। व्हिच इज द एनिमल मतलब कि क्या होता है बच्चों, कि कौन सा ऐसा एनिमल है जो बोथ मतलब कि दोनों पर रहता है, ऑन लैंड मतलब ज़मीन पर भी रह सकता है एंड इन वाटर और पानी में भी रह सकता है। तो उसके ऑप्शन देखते हैं, ए फिश, बी वाटर स्नेक, सी फ्रॉग, डी क्रैब। तो बच्चों, हमने चारों ऑप्शन देख लिए हैं। ऑप्शन ए है फिश, तो फिश तो हमें पता ही है, फिश कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। दूसरा है वाटर स्नेक, वाटर स्नेक मतलब कि पानी में रहने वाला स्नेक। तीसरा है फ्रॉग और फोर्थ वन है डी क्रैब। तो क्रैब को हमें पता है, क्रैब हमेशा पानी में ही रहता है। और बचा ऑप्शन कौन सा, कि जो ज़मीन पर भी रह सकता है और पानी में, तो ऑप्शन सी फ्रॉग। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी सी। सेकेंड क्वेश्चन, व्हिच इज द एनिमल दैट क्रॉल्स एंड मूव्स फॉरवर्ड। व्हिच इज द एनिमल कि कौन सा ऐसा एनिमल है जो क्रॉल करता है और मूव्स फॉरवर्ड कि आगे की तरफ आता है, अपनी बॉडी को क्रॉल करके आता है। तो कौन सा है, ऑप्शन देखते हैं, ए रैट, बी स्कॉर्पियन, सी स्क्विरल एंड डी स्नेक। तो बच्चों, हमें ऑप्शन देखकर ही पता चल जाता है डायरेक्टली कि कौन सा ऐसा एनिमल है जो क्रॉल करता है और अपनी बॉडी को आगे लेता है। ऑप्शन डी स्नेक, आई विल राइट हियर डी। थर्ड वन, विच एनिमल लिव्स ऑन ट्रीज, इनमें से कौन सा ऐसा एनिमल है जो ट्री पर रहता है। ए मंकी, बी कैट, सी टाइगर, डी डियर। तो कौन सा एनिमल है जो हम देखते हैं ट्रीज पर, तो है मंकी। तो वी विल राइट हियर ए। फोर्थ वन, व्हाट इज द होम ऑफ टर्मेट्स नोन एज, जो टर्मेट्स होते हैं उसके होम को क्या कहा जाता है। ए होल, बी एंट हिल, सी शेड, डी डेन। जो बच्चों टर्मेट्स का होम होता है उसे कहा जाता है एंट हिल, ANTHILL, एंट हिल। सो वी विल राइट हियर बी। फिफ्थ वन, विच एनिमल हैज़ अ लॉन्ग टेल, कि कौन सा ऐसा एनिमल है जिसको लॉन्ग टेल होती है। तो ऑप्शन ए बैट, बी एलिफेंट, सी बफेलो या डी कॉकरोच। तो बैट है वो बर्ड है, उसको टेल नहीं होती। बी एलिफेंट, एलिफेंट हैज़ अ स्मॉल टेल। कॉकरोच, कॉकरोच तो इंसेक्ट्स है। तो बच्चा ऑप्शन कौन सा, सी बफेलो, BUFFALO बफेलो। सो वील राइट योर सी। सिक्स्थ वन, व्हिच एनिमल गोज आउट एट नाइट इन सर्च ऑफ फूड। व्हिच एनिमल मतलब कि कौन सा ऐसा एनिमल है जो रात को निकलता है फूड सर्च करने के लिए। तो ऑप्शन ए ए पैरो, बी आउट, सी गोट, डी रैबिट। द करेक्ट आंसर इज बी आउल, OWL। वी विल राइट हियर बी। सेवेंथ क्वेश्चन, व्हिच एनिमल इज सीन ऑन ट्रंक्स ऑफ ट्रीज, कि कौन सा ऐसा एनिमल है जो हमें ट्री के ट्रंक के ऊपर हमें दिखाई देता है। ए स्पाइडर, बी हनी बी, सी एंट या डी कॉकरोच।
तो बच्चों हमने कई बार देखा ट्री के ट्रंक पर सबसे ज्यादा हमें पाया जाता है वो है सी एंड ए एन टी एंड सो वी राइट योर सी. एथ वन, विच एनिमल हैज एट लेग्स, कि कौन सा ऐसा एनिमल है जिसके पास एट लेग्स है. ए हाउस फ्लाई, बी मस्कीटो, सी कॉकरोच, डी स्पाइडर. तो बच्चों हमें ऑप्शंस देखकर ही पता चलता है कि एट लेग्स वाला कौन होता है, डी स्पाइडर. एक्सरसाइज टू, फिल इन द ब्लैंक्स इन ईच सेंटेंस विथ एन अप्रोप्रिएट वर्ड. कि बच्चों यहाँ पर हमें फिल अप द ब्लैंक्स दी गई है, हमें क्वेश्चन रीड करके उसका आंसर लिखना है सही. तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वन, द एनिमल दैट मेक्स ब्यूरोज, ब्यूरोज मतलब होल्स नियर रूट्स ऑफ ट्रीज इज द डैश. मतलब द एनिमल दैट मेक्स ब्यूरो, ऐसा एनिमल जो ब्यूरोज बनाता है, होल बनाता है नियर रूट्स ऑफ द ट्रीज, ट्रीज के जो रूट्स होते हैं उसके पास. तो बच्चों वो कौन है, कौन सा ऐसा एनिमल है, तो वो है एंट्स, ए एन टी एच एंट्स. तो बच्चों आप लोगों को भी मेरी तरह यहाँ पर फिलअप करना है, लिखना है ए एन टी एच एंट्स. हम देखते हैं ना छोटे रूट्स के पास बहुत सारे एंट होते हैं, ब्लैक एंट, रेड एंट. सेकेंड वन, द एनिमल दैट सिंग्स कू कू इज द कुकू, सी यू सी के ओ ओ. थर्ड वन, द एनिमल दैट स्पिन्स वेब्स इन कॉर्नर्स ऑफ वॉल इज द डैश. द एनिमल दैट स्पिन्स, ऐसा एनिमल जो स्पिन्स करता है, वेब्स करता है इन कॉर्नर, कॉर्नर में दीवार होती है, वॉल्स मतलब कि दीवार, कॉर्नर होता है उसके अंदर वेब्स बनाता है. कौन सा ऐसा एनिमल है जो इस तरह से वेब्स बनाता है, इट्स अ स्पाइडर, एस पी आई डी ई आर, स्पाइडर. फोर्थ वन, एनिमल रेस्ट इन द डैश ऑफ ट्रीज, एनिमल रेस्ट मतलब कि एनिमल रेस्ट करते हैं डैश ऑफ द ट्रीज, ट्रीज का जो डैश होता है वहाँ पर रेस्ट करते हैं. तो कहाँ पर रेस्ट करते हैं, शेडो, शेडो मतलब छाव, एस एच ए डी ओ डब्ल्यू. हम देखते हैं कई बार का बफेलो या दूसरे कोई भी एनिमल ट्रीज होती है उसके जहाँ पर शेडो होता है उसके नीचे आराम से बैठे होते हैं या खड़े होकर आराम से रेस्ट करते हैं. फिफ्थ वन, द डैश कीप इट्स यंग वन इन अ पाउच ऑन इट्स बॉडी. द डैश कीप्स इट्स यंग वन, जो डैश है अपने यंग वन को मतलब कि उसका जो बेबी होता है वो अपने पाउच में रखता है, अपने बॉडी का जो पाउच होता है उसमें. तो बच्चों आप लोगों को याद आया कौन सा ऐसा एनिमल है जो अपना बेबी अपने पाउच में रखता है. यस यू आर करेक्ट, इट्स अ कंगारू, के ए एन जी ए आर ओ ओ, कंगारू. सिक्स्थ वन, एंड एलिफेंट ड्रिंक्स वाटर विद इट्स डैश. एलिफेंट वाटर ड्रिंक करता है, किसकी हेल्प से ड्रिंक करता है, विद विच इज ट्रंक, टी आर यू एन के. एंड एलिफेंट ड्रिंक्स वाटर विद इट्स ट्रंक, टी आर यू एन के, ट्रंक. सेवेंथ वन, द एनिमल दैट हैंग्स अपसाइड डाउन ऑन ट्रीज इज द डैश. द एनिमल दैट हैंग्स, ऐसा एनिमल जो हैंग करता है अपसाइड डाउन ऊपर नीचे ऑन ट्रीज इज द डैश. तो कौन सा है वो एनिमल, इट्स अ बैट, बी ए टी बैट. एथ वन, द एनिमल यूजफुल फॉर राइडिंग इन डेजर्ट इज द डैश. द एनिमल यूजफुल फॉर राइडिंग, ऐसा एनिमल जो राइड करने में यूजफुल होता है, कौन से एरिया में, डेजर्ट जहाँ पर है. तो कौन सा एनिमल बच्चों हम ज़्यादातर डेजर्ट में देखते हैं, इट्स अ कैमल, सी ए एम ई एल, कैमल. सो हियर वी हैव फिनिश वन टू. एक्सरसाइज थ्री, पुट अ राइट मार्क इन फ्रंट ऑफ द स्टेटमेंट्स दैट आर ट्रू एंड अ रॉन्ग इन फ्रंट ऑफ दोज दैट आर फॉल्स. तो बच्चों ये एक्सरसाइज ट्रू और फॉल्स की है, जो आंसर सही है वहाँ पर हमें राइट करना है, जो आंसर गलत है
उस वहाँ पर हमें रॉन्ग करना है. तो फर्स्ट वन, द काउ लिव्स इन अ फॉरेस्ट. तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों, काउ होती है वो फॉरेस्ट में रहती है, जंगल में रहती है? नो, द काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल, सो वो फॉरेस्ट में नहीं रहती, इसलिए यहाँ पर आएगा रॉन्ग. सेकेंड वन, अ फ्रॉग कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वॉटर. फ्रॉग होता है वो दोनों पर रह सकता है, ऑन लैंड मतलब कि जमीन पर भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है. तो यस, दिस इज अ ट्रू, तो वी विल पुट योर राइट. थर्ड वन, अ कॉकरोच है सिक्स लेग्स. कि कॉकरोच को सिक्स लेग्स होते हैं? यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, तो वी विल पुट योर राइट. फोर्थ वन, अ स्नेक कैन सी एट नाइट टू. कि स्नेक है वो भी रात को देख सकता है, तो कि यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, तो विल पुट हियर राइट. फिफ्थ वन, अ बैट कैन नॉट फ्लाई. कि बैट फ्लाई नहीं कर सकता, तो ये बात कैसी है? रॉन्ग है. क्यों? बैट क्या है? बर्ड है, एंड बर्ड कैन फ्लाई. यहाँ पर आएगा रॉन्ग. सिक्स वन, ऑल एनिमल्स ईट ग्रास टू लिव. कि सारे एनिमल्स है वो सब ग्रास खाते हैं जीने के लिए? नो, इट्स अ रॉन्ग थिंग. काउ, बफेलो वो सब है वो ग्रास खाते हैं, लेकिन जो जंगल के एनिमल्स है, फॉरेस्ट एनिमल्स है, वाइल्ड एनिमल्स, वो सब ग्रास नहीं खाते. वो जैसे कि लायन, टाइगर, दे डोंट ईट ग्रास. सो इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट, विल पुट योर रॉन्ग. सेवेंथ वन, द कैमल इज नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट. कि कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है, तो इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट, विल पुट योर राइट. एट वन, ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू द मैमल्स कैटेगरी ऑफ एनिमल्स. कि ह्यूमन बींग्स है वो मैमल्स कैटेगरी में आते हैं एनिमल्स की, तो के राइट. बच्चों मैमल्स मतलब कि ऐसे एनिमल्स इस तरह से जो अपने खुद यंग वंस प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो यस ह्यूमन बींग्स के अपने यंग वंस खुद प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए वो मैमल्स में इंक्लूड होते हैं. एक्सरसाइज फोर, मैच द कॉलम्स अप्रोप्रिएटली. कॉलम ए आंसर, कॉलम बी. तो बच्चों यहाँ पर हमें क्वेश्चंस दी गए हैं, कॉलम ए में यहाँ पर उसके ऑप्शंस दी गए और बीच में जहाँ पर आंसर ए एन एस लिखा है मतलब कि आंसर, यहाँ पर हमें सही आंसर लिखना है. तो फर्स्ट वन, स्पिनर ऑफ वेब्स. कि स्पिनर ऑफ वेब्स क्या है? सेकेंड वन, लिविंग ऑन ब्रांचेस. की ब्रांचेस के ऊपर रहता है. थर्ड वन, इज सीन एट नाइट. की नाइट को दिखाई देता है. फोर्थ वन, होप्स टू मूव. होप करता है मूव करने के लिए. फिफ्थ वन, क्रोल्स टू मूव. अपने बॉडी को क्रोल करता है. तो ये कॉलम ए के क्वेश्चन है. अब कॉलम बी में कौन कौन से ऑप्शन है ये हम देखते हैं. ए फ्रॉग, बी बैट, सी पाइथन, डी रैट, ई स्पाइडर, एफ मंकी. तो हम मैच करेंगे. स्पिनर ऑफ वेब्स, तो वेब्स कौन बनाता है बच्चों? यहाँ पर हम ऑप्शंस में से देखेंगे. तो यस, सो वेब्स बनाता है, दैट्स अ स्पाइडर. तो वी विल राइट हियर स्पाइडर, एस पी आई डी ई आर, स्पाइडर. सेकंड, लिविंग ऑन ब्रांचेस. ब्रांचेस के ऊपर कौन रहता है बच्चों? ब्रांचेस के ऊपर हमने देखा है कि मंकी रहता है. एफ, इट्स अ मंकी. विल कॉपी फ्रॉम योर एम ओ एन के ई वाई, सम मंकी. थर्ड वन, ई सीन एट नाइट. कि रात को दिखाई देता है, तो रात को हमें क्या दिखाई देता है? बैट, बी ए टी बैट, बी ए टी बैट. फोर्थ वन, होप्स टू मूव. होप करता है मूव करने के लिए. इट्स अ फ्रॉग, एफ आर ओ जी. सो विल राइट हियर फ्रॉग, एफ आर ओ जी, फ्रॉग. फिफ्थ वन, क्रोल्स टू मूव. अपने बॉडी को क्रोल करके चलता है मूव करने के लिए. ससी पाइथन, पी वाई टी एच ओ एन, पाइथन. पाइथन का मतलब होता है अजगर.